जय श्री राम दोस्तों, रंजीत तंजोराट में आपका स्वागत है। और ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 85 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, 85 स्केच हो चुके और ये 86वां स्केच है। अब लगभग हम अपने मंजिल के पास पहुँच चुके हैं और पहुँचने वाले हैं। बहुत जल्दी स्केच फाइनल होने वाले हैं और फिर एक एक पेंटिंग जैसे जैसे फाइनल होगी वैसे मैं बनाता जाऊँगा। तो दोस्तों, ये मैंने क्यों बनी ये मैं बताना चाहता हूँ। मैंने किसी के ऑर्डर से नहीं बनी, इससे मेरे को पैसा नहीं कमाना है, किसी भी बना के बेचना ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। सेल्फ अपने मन में जो जो संकल्प आया है वो हनुमान जी की प्रेरणा से आया है और उसको बनाना जैसे ही मुझे संकल्प और प्रेरणा मिली हनुमान जी से तो मैंने बनाना स्टार्ट किया। अब 108 पेंटिंग मैं रामायण जी समेटना बहुत कठिन काम है, क्योंकि अगर हजारों हजारों पेंटिंग बन जाए तब भी पूरी रामायण जी समेट उसमें नहीं बन सकती। पर मेरा एक छोटा सा प्रयास है 108 पेंटिंग का, कि जैसे एक एक माला के मोती हम पिरोते हैं, और एक जैसे तुलसी की माला है, रुद्राक्ष की माला है, तो 108 जब माला 108 मनके की माला जब बनती है तो वो एक पूर्ण माला बनती है। और उसी से सारी सिद्धियां और तपस्या करते हैं ऋषिवर और भक्तगण। तो उसी कड़ी में मैंने ये सोचा मैं 108 पेंटिंग बनाऊं। 108 में जितना हो सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा, वो मैंने कोशिश की कि पूरे रामायण के जो मेन मेन सीन है, मेन मेन सब्जेक्ट है, मेन मेन प्रसंग है, वो बनाने की कोशिश की है। तो अभी हम लगभग कुंभकर्ण को उठाना यहाँ तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि जब चार महारथी मर चुके पहले दिन में, तब रावण बहुत ही हताश हो गया था। और माल्यवान जी जो उनके नाना जी है, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम अपने भाई कुंभकर्ण को पहचान उठाओ, उसकी शक्ति तुम जानते ही हो, हजारों हाथियों का उसमें बल था, और अगर वो सिर्फ चाहे तो अकेला ही पूरी सेना को खत्म कर देगा। तो तब रावण को एक आशा का संचार हुआ, नहीं तो निराश हो चुका था कि हम लंका युद्ध हार जाएंगे, शत्रु बहुत बलवान है। और इस तरह से रावण शोकमग्न था। तो माल्यवान जी ने उसके जो दुखी था उसके दुख को दूर करने का प्रयास किया है। तो किसी तरह से कुंभकर्ण को उठाया गया, बहुत गाजे बाजे और चाहे जितना शोर करके किसी ने भाले से भी लगा लगा है, और किसी तरह येन केन प्रकार से कुंभकर्ण को उठाया। और कुंभकर्ण को उठा के और रावण ने बताया कि भाई इस तरह से मैं सीता को हर के लाया था, हमारी बहन है शूर्पणखा, उसका नाक काट दिया था। तब कुंभकर्ण रावण को बहुत समझाता है कि तुमने जगत जननी को उठा लिया है और ये तुमने अच्छा नहीं किया, और बहुत खरी खोटी सुनाता है। तो रावण बोलता है कि इसका मतलब आप तुम मेरा साथ नहीं देगा। तब कुंभकर्ण बोलता है कि ये तो मेरा एक ज्ञान के हिसाब से तुझे समझाया, पर एक भाई होने के नाते भले जान भी चली जाए पर मैं तेरा साथ दूंगा। और एक ही बात बोलता हूँ कि मैं युद्ध में तो जा रहा हूं, पर अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो समझ लेना कि कोई नहीं हरा सकता, और तू जाके उनकी शरण में चला जाना। इस तरह से रावण को बोल के वो अपने युद्ध में चले जाते हैं। तो जो युद्ध का सीन है ये मैंने बनाया, कुंभकर्ण किस तरह से युद्ध में आके लड़ाई करता है। तो कुंभकर्ण है विशाल काय, और कितने ही सैनिक को तो उसने हाथ वानर सैनिकों को मुट्ठी में ले रखा है, उनको डायरेक्ट ही डकार गया है, वो मुंह में डाल के डायरेक्ट अंदर बिना चबाए डकार गया। इतना मतलब शक्तिशाली था, यहाँ तक कि हनुमान जी से भी लोहा ले आया उसने। हनुमान जी और कुंभकर्ण का भी युद्ध हुआ है। तो दोस्तों 86वां स्केच का वीडियो बना रहा हूँ, और बहुत मन से, बहुत सोच समझ के,
बहुत एक एक सब्जेक्ट पर विचार करके स्केच किया है, और वो आप लोगों को कैसा लग रहा है अपने कमेंट से जरूर दीजिए, मुझे अपने सुझाव दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आपको कोई पेंटिंग बनवानी हो किसी भी तरह से, कोई भी साइज की, जैसे छोटे मंदिर के पेंटिंग हुई या बड़ी से बड़ी पेंटिंग हुई, हर तरह की पेंटिंग मैं बनाता हूँ। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9313322431। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले स्केच के वीडियो में। जय भारत, हिंदू राष्ट्र, जय सनातन धर्म, जय हिंद।